जितना लिख के दिया था पूरा बोला, इसको बोलते हैं ईमानदारी। ये जैसे फिल्मी दुनिया को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट को गर्व है कि उनके पास धोनी है, संत समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम है, राजनीति को गर्व है कि उनके पास नारायण दत्त तिवारी है, तो हमको गर्व है कि हमारे पास प्रवीण शुक्ला है। पवार जी की बड़ी डिमांड हो रही है, कुमारे आदमी की देश में बड़ी मांग है आजकल। ये हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है, ये कई बाल्टी दूध देती है। हमारा क्या है, हम तो देसी हैं, पाव दो पौधे के निकल लेते हैं, ज्यादा कठिन कविता सुनाते नहीं। हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, राहुल जैसी जवानी मत देना और अडवाणी जैसा बुढ़ापा मत देना। वाह, राहुल जैसी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है। चोर दिन दहाड़े शटर तोड़ के चोरी कर लिया, तो हमने कहा क्यों ये अच्छे दिन है, बोले क्यों तेरे बार आएंगे, चोर के नहीं आएंगे। उसके भी आएंगे, हमारा तो नारा है सबके साथ सबका विकास। इश्क मोहब्बत प्यार की बहुत बात चली, मैं गाजियाबाद आज के 15 बरस पहले पहली बार आया था। आपने हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई कवि सम्मेलन का मंच है जहां एक संचालक स्थायी तौर पे खंभा गड़ा के बैठा हो, और जिसने अपनी कीर्ति पताका को इतना फहरा रखा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में हम गर्व से कहते हैं कि गाजियाबाद एक ऐसा कवि सम्मेलन जहां प्रवीण शुक्ला 22 साल से कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं। अनेकों किताबें, अनेकों टीवी सीरियल, अनेकों विदेश यात्राएं, सब कुछ भाई प्रवीण के नाम। ये छोटा भाई है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूं, विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई, लेकिन ये वैसा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का छोटा भाई है। गाजियाबाद के कॉन्फिडेंस को मैं जानता हूं। आज मैं एक आदमी से पूछा, क्यों आपका बेटा तुतलाता है क्या, बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा है, मैं आपको बार बार ताली बजाने के लिए बोल के शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब आपका मन करेगा तो बजाएंगे। और क्यों बजाएं, जो कभी आता है ताली बजाओ, क्यों बजाएं भाई, आ गए हैं तो कोई गलती कर डाले हैं क्या। मैं तो बोलता हूं मन करे ताली बजाओ, कभी पसंद नहीं आए कवि को बजाओ। लादेन मरा, ये बोले काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आया नहीं, विजय माल्या सफेद धन लेके चला गया। वो तो किंग फिशर के सामने एक लड़की पागल हो गई है, आसमान की तरफ देख रही, आएंगे मेरे करण अर्जुन, आएंगे मेरे विजय माल्या ललित मोदी आएंगे। ये प्यार इश्क मोहब्बत की बात भी चली, मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूं हर किस्म का, इतनी रात को साहब जमाना बदल गया है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, और आप 3 बजे रात तक हमारी सुन रहे हैं, ये कम बड़ी बात। जमाना बदल गया, पहले घर के दरवाजे में बुजुर्ग को बैठाते थे, बोलते थे काका जी बाबा जी आप बैठो, कुत्ता मत घुसे। अब जमाना बदल गया है, कुत्ते को बैठा देते हैं, बाबा जी मत घुसे। जमाना बदला, इस जमाने के दौर में कविता भी बदली, प्यार इश्क मोहब्बत की शायरी हुई। मैं बताना चाहता हूं, जब सम्मान वापसी हुई अनुपम खेर के साथ, मैंने भी इंडिया गेट में मार्च किया, मुझे भी आमिर खान के साथ पद्मश्री दी गई थी। एबीपी के एंगर ने कहा कि आप वापस करेंगे क्या, मैं बोला क्या, बोले पद्मश्री, मैं बोला बड़ा मुश्किल में तो मिली है, एकदम गर्म है, भाप निकल रही, वो भी वापस कर दें। और बोला कौन सा सम्मान, बोले सरकार देती है। मैंने कहा गलत, मैं आपको तालियों पे नहीं कहूंगा, जब आपका मन करे तब बजाना। मैंने कहा गलत, कोई सरकार सम्मान नहीं देती है, सम्मान ये जनता देती है, इसकी तालियां देती है, इसकी ताकत देती है।
और सम्मान जिन्होंने लौटाया, जनता उनको धिक्कारे, जुगनू की औकात नहीं जो ये सूरज को ललकारे, जुगनू की औकात नहीं जो ये सूरज को ललकारे। जेएनयू से आंदोलन उठता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, आदरणीय अंजुम जी बैठी हैं। इस्लाम में लिखा है कि जब मुसलमान नमाज करने के पहले वजू करते हैं और अगर पानी ना हो तो उस देश की मिट्टी से भी अगर वो वजू करें तो नमाज कबूल होती है। हम ऐसे संस्कार को जीने वाले लोग हैं। जेएनयू से आंदोलन उठता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इतनी आजादी है तुमको, तुम मेरी मां को गाली दे लोगे? अगर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो गाजियाबाद में आधे मिनट की स्वतंत्रता मैं भी चाहता हूं। मेरा ये फरमान जेएनयू तक पहुंचा दो और जो अफजल की करें पैरवी उनको भी लटका दो, जो अफजल की करें पैरवी उनको भी लटका दो। ये जवान जानना चाहते हैं इनका आइकन कौन है, हु इज आइकन ऑफ यूथ, जवानों का आइकन कौन? वो शाहरुख खान तोतला? राष्ट्रभक्ति का स्वाद चखले, अरे हकले एक बार का 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 किरण तो बोल ले। कौन है हमारा आइकन? वो राहुल गांधी पप्पू जो चिंतन करने के लिए बैंकॉक गया? ये वीर रस के कवि बार बार बोलते हैं पाकिस्तान को निपटाओ, पाकिस्तान को निपटाओ। मैं गाजियाबाद में कहता हूं पाकिस्तान को कोई नहीं निपटाएगा, पाकिस्तान को जब निपटाएगा राहुल गांधी ही निपटाएगा। एक ने कहा राहुल गांधी कैसे निपटाएगा, अरे जो 135 साल पुराना कांग्रेस निपटा दिया वो पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। कौन है आइकन? भाषा कभी संकट पैदा नहीं करती। सोनिया जी भाषण दे रही थी, कह रही थी हमारे देश में जो नर्मदा योजना है, मैं बोला मैडम नर्मदा नहीं है नर्मदा है, वही बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले बोलते हैं कुछ किए नहीं है, कुछ किए नहीं है, हम एक नया प्रदेश बनाए तेल लगाना। ताली बजाओ, सांस लेना है। तेलंगाना कौन है आइकन? आज गाजियाबाद में मैं तय करना चाहता हूं कि हमारा आइकन कौन है। हमारा आइकन है स्वामी विवेकानंद। वाह वाह वाह। हमारा आइकन है स्वामी विवेकानंद। और क्यों है स्वामी विवेकानंद? जब विवेकानंद शिकागो गए, एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। विवेकानंद जी ने कहा आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? बोले आप अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं और मैं रूपसी युवती हूं, हमसे मिलकर जो संतान होगी वो दिव्य और अलौकिक होगी। विवेकानंद जी का जवाब अगर आखिरी तक पहुंचे तो एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना। विवेकानंद जी ने जवाब दिया इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको ही अपना बेटा स्वीकार कर लो। ये है हमारा आइकन। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। बहन बेटियां बैठी हैं, जिंदगी के कितने किरदारों को जीती हैं। जब बेटी अपने माँ बाप के घर होती है तो माँ बाप कहते हैं कुछ मत बोलो, बेटी है पराए घर जाना है। ससुराल आती है, सास ससुर कहते हैं कुछ मत बोलो, पराए घर से आई है। न मायका बेटी का, न ससुराल बेटी का, तो फिर बेटी का है क्या? फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं, अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं, बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं उन्हें आभास होता है। और बेटी सास समुंदर पार शिकागो में हो और माँ गाजियाबाद में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। विवेकानंद जी से एक अमेरिकन ने कह दिया आपकी हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की लड़कियां नैरो माइंडेड हैं, बैकवर्ड हैं। विवेकानंद जी ने पूछा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपके देश की औरतें पराए अनजान मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। विवेकानंद जी का जवाब अगर आखिरी तक पहुंचे तो विवेकानंद जी ने कहा आपकी महारानी सामान्य लोगों से हाथ मिलाती है। आपकी महारानी सामान्य लोगों से हाथ मिलाती है। मेरे देश की हर औरत तुम्हारी महारानी से कम नहीं है, ये सामान्य लोगों से हाथ नहीं मिलाती।
ये है हमारा आइकन। लोग कहते हैं मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा, मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश किया, फोकट में चाय बांटी, देश को गुलाम कर दिया, और एक चाय बेचने वाले ने देश को आजाद कर दिया। लोग कहते हैं मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा, मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा। ये वही कहते हैं जिनके घर में कोई छापा नहीं पड़ा। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पीजा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। हैं? हाँ वो पढ़ ही रहा हूँ, इसके पीछे लगा है वो, चिंता मत करो। ये क्या थोड़ी थोड़ी देर में ना, जैसे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इतना कम टाइम है कि मरने वाले आदमी ने भी ये बात कही, जल्दी ले जाओ टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, खूब काम हुआ है, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, लेकिन क्या करें भाई साहब, टाइम नहीं है, पूरा बताने के लिए टाइम नहीं है। ये प्रवीण शुक्ला बैठा है, कॉलेज के जमाने में एक लड़की से इसका लपर झपर था, फेयर, संस्कारित परिवार का था, जिक्र नहीं किया। लड़की की शादी हो गई, लड़की चली गई लुधियाना, अभी मॉल में मिला, लड़की की गोद में बच्चा, बच्चे को दिखाकर कहा मामा को नमस्ते करो। ये बच्चे के गाल को चुमटी मार के बोलने लगा कितना क्यूट है। मैं बोला जिसका पकड़ना था उसका पकड़ा नहीं, बच्चे का पकड़ रहा है। लोग मन की बात मन में रखे रखे मर जाते हैं। अरे मोदी कम से कम मन की बात रेडियो में तो सुनाते हैं। लोग मन की बात मन में रखे रखे मर जाते हैं। अरे मोदी कम से कम मन की बात रेडियो में तो सुनाते हैं, सुलझा देते हैं जिंदगी की अनबुझी पहेली। कौन कहता है राम तेरी गंगा मैली। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है, शून्य रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा, लेकिन क्या करें टाइम नहीं है, पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, आप सब 20 बार कहते हैं टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 121 करोड़ होगी। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। वो मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। टाइम नहीं है, अभी तो हम चालू हुए और अभी से पीछे लग गया, टाइम नहीं है। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। एलओसी पार करके 150 कमांडो ने पाकिस्तान में प्रवेश किया, 38 आतंकवादियों को मारा और उनके बेस कैंप में आग लगा दी। बजरंग बली ने आकाश मार्ग से लंका में प्रवेश किया, राक्षसों को मारा और लंका में आग लगा दी। इसका मतलब है कि बजरंग बली का इस देश में पुनः प्रवेश हो गया है। मैनेजमेंट के सबसे बराक ओबामा हिंदुस्तान आए, हमने बहुतों से पूछा क्यों आए, बोले मैनेजमेंट सीखने आए। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। आप व्यापार से जुड़े लोग हैं, आप जानते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। जो बच्चे एमबीए में पढ़ते हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम लागत ज्यादा प्रॉफिट, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका नाम है बजरंग बली। लंका में आग लगाई मिट्टी तेल रावण का, माचिस रावण का, कपड़ा रावण का, लंका भी रावण की, जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब, 1 घंटे से मोबाइल में बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है भाई, बोले पत्नी से, बोले 1 घंटे करता है, बोले मेरी थोड़ी।
ये जो मन की बात मन में रखे रखे मर जाते हैं वही प्रवीण शुक्ला। 22 साल में नहीं समझे आप, इसके अंदर एक दूसरा है। अच्छा। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया। हम तो छत्तीसगढ़ से आते हैं, सरकार में हूं, बड़े पद पर हूं, मंत्रालय में हूं, राजभाषा का सचिव हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं लादेन मरा तो मैं बहुत टेंशन में आया, लादेन मरा कैसे? मैंने पवार जी को फोन लगाया, पवार जी लादेन मरा कैसे? बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से ना मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहां स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एबडेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता माँ तेली बात सही है पर मेरे पास टाइम नहीं है। आदमी 24 घंटे मोबाइल लेकर चलता है, मोबाइल लेके खाता है, मोबाइल लेके नहाता है, और तो टॉयलेट जाता है वहां भी मोबाइल ले जाता है। टॉयलेट में गया, निपटा, मोबाइल में SMS आ गया। पानी अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। अब पानी नहीं बहाएं तो बाहर कैसे आए? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 125 करोड़ लोग मिलकर दिल्ली में एक दामिनी की इज्जत नहीं बचा सके, और हरियाणा की दो बेटियों ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल लाकर हिंदुस्तान की इज्जत बचा ली। वाह वाह। आजकल लड़के लड़कियां माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। दो लड़कियां जा रही थी आपस में बात कर रही, तेरा कौन सा? बोले S4। बोले मेरा भी S4, पीछे से मैं इनके ऊपर गिर गया। बोले हट 3210 नोकिया। बोले हट 3210 नोकिया। मैंने कहा हाँ मैं 3210 नोकिया हूं, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है भाई साहब। आज जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और अगले कवि सम्मेलन में कवि नगर में आपको फिर से बुलाएं, मत कहिएगा टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है।